दोस्तों ये है वीवो का न्यू मॉडल वीवो Y02 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ मॉडल है। आज करने वाला हूँ इस फोन की अनबॉक्सिंग, जानते हैं इस फोन में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं इस फोन का अनबॉक्सिंग। वैसे दोस्तों ये जो फोन है वो दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 2GB 32GB 3GB 32GB, और ये वाला जो वेरिएंट है वो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे दोस्तों इस फोन में हमें कवर नहीं दिया गया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलते हैं। चार्जर है और इसका केबल दिया गया है इसमें, और इसमें देखने को मिलता है सिम इंजेक्टर पिन। और फोन दोस्तों कुछ इस प्रकार से पैकेज रहेगा। इसके पीछे में बहुत बड़ा कैमरा देखने को मिलता है जिसमें सिंगल कैमरा दिया गया है। उसके नीचे में फ्लैश लाइट दी हुई है और इसे का जो पीछे का पैनल है वो प्लास्टिक का दिया गया है। यह है इसका पावर ऑन ऑफ बटन। इसके ऊपर में जस्ट वॉल्यूम अप डाउन बटन देख और इसके ऊपर में वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाता है। नीचे देखें तो फिर ईयरफोन स्विच, चार्जिंग स्विच देखने को मिल जाता है। दोस्तों वैसे इस फोन का जो डिस्प्ले साइज है वो 6.1 इंच का, जो कि HD+ डिस्प्ले है। और इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 3GB 32GB और 2GB 32GB का दो वेरिएंट पर ये फ़ोन देखने को मिलता है। 2GB 32GB का जो वेरिएंट है दोस्तों वो है 8000 रुपये का, और 3GB 32GB का वेरिएंट है 9000 रुपये का। ये जो दोस्तों 3GB 32GB वाला है तो इसका प्राइस है 9000 रुपये। वैसे दोस्तों इस फोन में हमें 6.51 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 10W का आपको चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि micro USB में रहेगा। दोस्तों ये जो फोन है इसका स्पीकर ऊपर की ओर देखने को मिलता है, और बाकी जैसे फोन आते थे वो नीचे की ओर देखने को मिल जाते थे, लेकिन इस फोन में आपको ऊपर की ओर यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन में आपको कैमरा क्वालिटी एवरेज देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, और इसके जो पीछे का जो कैमरा है उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है। और जो फोन है दोस्तों वो 5000mAh की बैटरी के कारण थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो लुक है दोस्तों वो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका जो लेंस है वो तो काफ़ी बड़ा है, इस कारण से इसका जो लुक है दोस्तों वो कुछ हट के देखने को मिल जाता है हमें। वैसे दोस्तों ये जो फ़ोन है वो ऑफलाइन फ़ोन है, और आपको ऑफलाइन मार्केट में ये मिल जाएगा, आपके लोकल शॉप में भी ये देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये जो फ़ोन है दोस्तों इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, और इसके जो एसेसरीज रहते हैं उसमें आपको 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो 8000 और 9000 दो वेरिएंट पर आया हुआ है, और दोनों में आपको काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी वैल्यू की तो फिर मुझे लगता है दोस्तों इसका जो वैल्यू है वो तो अच्छी खासी है, क्योंकि 8000 रुपये के प्राइस में दोस्तों आपको काफ़ी सही वाला फ़ोन देखने को मिल जाता है। और वीवो अपनी कैमरा और परफॉर्मेंस अच्छा ही रखता है, तो फिर वीवो फिर से अपने जो फ़ोन्स है वो 8000 के प्राइस पर लॉन्च किए जा रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों 8000 के प्राइस पर Y01 था, अब Y02 आया है। आई होप दोस्तों कि आपको इस फ़ोन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी बच गई है तो मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो फ़ोन है दोस्तों वो इस प्राइस रेंज पर सही है, क्योंकि वीवो अपने साथ काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस लाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो फ़ोन है वो वैल्यू फॉर मनी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।